नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपके साइंस से रिलेटेड है, और ये जितने भी प्रश्न मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो सभी मेरे द्वारा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बनाए गए हैं, और ये मैंने आपके NCERT के बुक से चुना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं बुक में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यानी कि अगर हम बात करें जो AM होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको हम FM कहते हैं, एक होता है AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक होता है FM जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, अगर आपने रेडियो देखा होगा, हालांकि आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन हमारे एज के लोग देखे होंगे, तो उसमें एक बैंड होता है AM बैंड और एक होता है FM बैंड। FM तो आपने देखा होगा, क्योंकि अभी भी FM बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो AM बैंड के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो होते हैं किलोहर्ट्ज़ में। कहाँ से कहाँ तक? 540 से 1600 किलोहर्ट्ज़ तक। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपके रीजनल समाचार वगैरह रेडियो पे आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 540 से 1600 किलोहर्ट्ज़। लेकिन अगर आप FM की बात करें, तो आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे तो FM की जो फ्रीक्वेंसी आप अभी चेक कर सकते हैं, 88 से 108 लिखा रहेगा। इसी के बीच आपका कोई भी FM का फ्रीक्वेंसी आती है, जैसे आप रेडियो में सुनते होंगे तो 98.3 इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका। तो जितने भी आपके FM चैनल हैं वो इतना से इतना मेगा हर्ट्ज तक। यहाँ पे किलो हर्ट्ज था AM की फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसका मेगा हर्ट्ज है। अब देखिए, मेगा हर्ट्ज है तो इसकी जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा होती है, AM की अपेक्षा FM की क्लियरिटी ज़्यादा होती है, उसमें नॉइजेज कम होते हैं। अगर बात करें कि टीवी में, देखिए इसमें भी मेगा हर्ज होता है। देखिए, टीवी में भी आपके ऑप्शन रहते हैं FM सुनने की, तो यानी कि FM वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी कहीं होगा। तो देखिएगा, यहाँ 88 से 108 है, तो यहाँ 54 से 890 मेगा हर्ज है, जो कि आपके टीवी के लिए जितने भी फ्रीक्वेंसी आते हैं, जितने भी आपके चैनल आते हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं? 54 से 190 मेगा हर्ज के बीच आते हैं। तो इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो याद रहता है। तो FM का भी ऑप्शन आता है आपके टीवी में, अगर आप देखेंगे जो टीवी होती है उसमें FM के भी ऑप्शन आते हैं, तो जब FM के ऑप्शन आते हैं तो FM वाला फ्रीक्वेंसी टीवी में आएगा। ठीक है, 54 से 890 मेगा हर्ज तक जो आपके टीवी में है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो सेटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सेटेलाइट में ऑब्वियस है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी इसमें ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3.5 से 6.4 GHz, यहाँ पे किलो था, यहाँ मेगा है, यहाँ पे जीगा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है सैटेलाइट हमारा। तो ये सभी रेंज आपको याद करने, क्योंकि ये सभी चीज़ें पूछी जाती है, और ये अगर आपको याद है तो सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके मोबाइल में आपने सुना भी होगा तो आपको याद रहता है, कम से कम एक दो चैनल का तो फ्रीक्वेंसी आपको याद ही होता है, रेडियो मिर्ची हो या बहुत सारे ऐसे आपके शहर के जितने भी FM चैनल होते हैं उसका तो फ्रीक्वेंसी याद ही रहता है, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग कॉल्ड, कहने का मतलब कि जो सिग्नल ऊपर से आता है, ऊपर से यानी कि जो आपका AM का सिग्नल हो या आपके FM का सिग्नल हो, ऊपर से आते आते क्या होता है कि थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। कई बार सुनते हैं ना कि इसका मतलब कि अभी अच्छा से नहीं स्ट्रेंथ आ रहा है। कई बार आपने एंटीना भी घुमाया होगा बचपन में कि इसका जो FM का है वो विविध भारती नहीं बज रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ है वो कम है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? एटेन्यूएशन। अगर हिंदी में बात करें तो छीनन कहते हैं, यानी कि अगर कोई सिग्नल कम आती है, आते आते उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम जाती है। ठीक है, कोई सिग्नल आती है उसका स्ट्रेंथ अगर कम जाती है तो उस फेनोमेना को कहते हैं एटेन्यूएशन। जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो थक जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इस फेनोमेना को? कि थकावट हो गई। लेकिन अगर सिग्नल थक रहा है तो उसको क्या कहते हैं? एटेन्यूएशन। अगर हिंदी में बात करें तो छीनन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते समय
पेंटावैलेंट तत्व का प्रयोग किया जाता है। देखिए डोपिंग अगर हम सेमीकंडक्टर में करते हैं, डोपिंग मतलब कि इम्प्योरिटी मिलाना जिससे उसकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो उसका कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक का वो बढ़ जाता है। तो दो प्रकार के डोपिंग करते हैं, एक पेंटावैलेंट एलिमेंट का करते हैं और एक ट्राईवैलेंट एलिमेंट का करते हैं। तो अगर पेंटावैलेंट एलिमेंट का डोपिंग करते हैं यानी कि इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट पेंटावैलेंट होता है, आपके आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फॉस्फोरस, यानी कि ये सभी। आपको मैंने याद भी कराया था कि जो ये आपके 15 ग्रुप के जो मेंबर है, 15वां ग्रुप के, यानी कि नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी, नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी, ये आपके ट्रिक थे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हालांकि गैस है इस वजह से इसका डोपिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन फास्फोरस का डोपिंग किया जा सकता है, आर्सेनिक का, उसके बाद एंटीमनी का और उसके बाद बिस्मथ का, ठीक है। ये आपका ये है कि इसका डोपिंग किया जाता है पेंटावायलेट में, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक फ्री आप मान सकते हैं कि 5 है तो एक फ्री यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन टेट्रावायलेंट से रिलेटेड है कि सिलिकन और जर्मेनियम में डोपिंग करते समय ट्राईवैलेंट, यहाँ पे भी सिलिकन जर्मेनियम में ही डोपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे भी सिलिकन और जर्मेनियम में डोपिंग कर रहे हैं, तो अगर ट्राईवैलेंट एलिमेंट का हम प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट ट्राईवैलेंट होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, इसको मैंने ट्रिक के थ्रू याद करवाया था, बेटा अली गया इंडिया टीलू, हाँ ठीक है टीलू, बेटा से बोरन, ठीक है, एल्युमिनियम, गैलियम और आपके गया इंडिया, यहाँ पे साइलेंट गया देख लीजिएगा, गया है कि नहीं, गया गैलियम है और उसके बाद इंडिया से इंडियम। तो ये सभी जो तत्व हैं वो आपके ट्राईवैलेंट है जो कि डोपिंग में काम आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल बोरोन, एल्युमिनियम और इंडियम, ये सभी जो एलिमेंट है, यानी कि जो आपके ट्राईवैलेंट जितने भी एलिमेंट है जिसमें कि आपको मैंने बताया कि 13वां ग्रुप है, तो 13वां ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके जब डोपिंग करते हैं जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसका डोपिंग करते हैं, बोरोन का, इंडियम का, एल्युमिनियम का और भी जो है 13वां ग्रुप में, किसके साथ डोपिंग करते हैं, सिलिकन और जर्मेनियम के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 QD इक्वल टू कितना होता है बैरिक्यूल, बैरिक्यूल एक रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है, 1 QD बराबर क्या होता है 3.6 × 10^10 बैरिक्यूल। अब ये बैरिक्यूल का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी कि कहने का मतलब 1 QD अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 37 बिलियन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 33 बिलियन पार्टिकल उससे निकलेगा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर सपोज एक यूरेनियम है तो अगर यूरेनियम का 1 QD हम बोले कि इसका रेडियो एक्टिविटी 2 QD है या 5 QD है, तो यानी कि 37 है यहाँ पे, यानी कि एक सेकेंड में इतना पार्टिकल निकलेंगे यूरेनियम से, अगर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अगर 5 QD है तो इसका मतलब होता है कि 5 × 37 बिलियन पार्टिकल्स उससे निकलेंगे एक सेकेंड में, ठीक है, उसी को कहते हैं बैरिक्यूल, ठीक है। ये भी रेडियो एक्टिविटी का मात्रक ही है। अच्छा, जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसका लाइफ जो होती है, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें कि कितने समय में आधा वो उससे निकल जाएगा पार्टिकल, यानी कि अगर 1 kg का या आप कह सकते हैं 1000 kg का यूरेनियम का एक सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो कब 500 kg हो जाएगा, यानी कि उसका आधा कब हो जाएगा, कितना समय के बाद वो आधा हो जाएगा, तो उसका फार्मूला होता है टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ इक्वल टू होता है ln2/λ, लेमडा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हाफ टाइम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या होता है, ln2/λ, यहाँ पे ln2 है, लॉग नहीं है, लॉग में हम बदल सकते हैं लेकिन यहाँ पे ln2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, प्रेस बायोपिया जिसको हम जरा दूरदृष्टि बोलते हैं किसके कारण होता है, तो देखिए एक वर्ड होता है प्रेस बायोपिया, एक होता है एस्टिगमेटिज्म, ठीक है, एस्टिगमेटिज्म।
अब दोनों में हम समझने की प्रयास करते हैं कि कौन किसके कारण होता है। अगर प्रेस बायोपिया की बात करें कि प्रेस बायोपिया किसके कारण होता है, ये होता है आपके लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में डिफेक्ट के कारण। जो मानव नेत्र का लेंस होता है वो कभी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, कि कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है, तो अगर वो कभी सिकुड़ना और फैलना थोड़ा सा बंद कर दे, जिस अगर बंद कर देते हो तब वो जो फिनोमेना होती है, बंद करने के बाद क्या होता है कि जो इमेज होती है वो आपके प्रॉपर रेटिना पे नहीं बनता है। तो ये क्या होता है, अगर रेटिना पे नहीं बनेगा तो उस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। लेकिन अगर अगर कॉर्निया का फैलाव होगा, तो यहाँ पे अगर कॉर्निया का फैलाव होगा तो उसको कहते हैं एस्टी गैमेटिज्म। यहाँ पे थोड़ा सा रेटिना लिखा हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कॉर्निया होगा। तो कॉर्निया के फैलाव के कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं एस्टी गैमेटिज्म। किसी स्प्रिंग के दोलन आवर्तकाल क्या है, यानी कि जैसे पीरियडिक मोशन होती है उसमें टाइम पीरियड होती है। जैसे अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2π अंडर रूट एल अपॉन जी होती है। लेकिन अगर ये पेंडुलम ना हो के एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है इस तरह से, और यहाँ पे एक मास बांध दिया गया है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इसको खींच के छोड़ देगा, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π अंडर रूट एम अपॉन के, जहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको साइंस से रिलेटेड कराए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लगभग फिजिक्स से ही हैं और कुछ केमिस्ट्री से हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।